90 के दशक में अपने चुलबुलेपन और क्यूटनेस से दर्शकों का दिल जीतने वाली काजोल ने अपनी शानदार अदाकारी के लिए 6 बार फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुके हैं। टीएनएज बेटी की मां काजोल का जलवा आज भी बरकरार है। काजोल ने अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कदम रख लिया है। उनके बर्थडे पर बताते हैं उनकी लव लाइफ की कुछ मजेदार बातें। फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री तनुजा और फिल्म निर्माता निर्देशक सोमू मुखर्जी की बेटी काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 में हुआ है। चुलबुली एक्ट्रेस काजोल हमेशा हंसती हुई नजर आती है। फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली काजोल को एक्टिंग विरासत में ही मिली है। साल 1992 में फिल्म बेखुदी से उन्होंने अपने सीने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में काजोल की एक्टिंग को खूब सराहा गया था, लेकिन उनके अभिनय की असली पहचान शाहरुख खान के साथ फिल्म बाजीगर से हुई। बाजीगर के बाद शाहरुख खान और काजोल की ऑन स्क्रीन जोड़ी हिट हो गई। इसके बाद इस जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इसके लिए काजोल को कई अवार्ड भी मिले। लेकिन काजोल और अजय देवगन की लव स्टोरी भी अवार्ड पाने लायक ही है। इन्हें बॉलीवुड का सबसे प्यारा कपल माना जाता है। शादी के 23 साल बीत चुके हैं, लेकिन इनका प्यार कम नहीं हुआ। ये दोनों एक दूसरे के नेचर के ऑपोजिट हैं, फिर भी एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। कहते हैं कि काजोल और अजय देवगन पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जहां चुलबुली काजोल को सेट पर मस्ती मजाक करना पसंद था, वहीं अजय काफ़ी शांत स्वभाव के थे। इनकी पहली मुलाकात फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। एक इंटरव्यू में खुद अजय ने बताया कि पहली बार जब काजोल से उनकी मुलाकात हुई थी तो वो बहुत ही घमंडी लगी, लेकिन बाद में दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काजोल किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। जब उनका ब्रेकअप हुआ तो अजय देवगन ने ही उन्हें संभाला। यही वो वक्त था जब दोनों करीब आ गए और शादी करने का फैसला कर लिया। काजोल ने साल 1999 में अजय से शादी की थी। तब वो टॉप की एक्ट्रेस थी और अजय की पहली ही फिल्म हिट हुई थी। आज इस जोड़ी को लोग मिसाल देते हैं। अजय आज टॉप एक्टर और फिल्म मेकर में शुमार हो चुके हैं, तो काजोल जल्द ही एक वेब सीरीज में नजर आने वाली है। अजय काजोल एक दूसरे को पूरा स्पेस और सम्मान देते हैं। बॉलीवुड के सफल कपल के दो बच्चे न्यासा और युग हैं। काजोल जितनी सफल एक्ट्रेस हैं, उतनी ही सफल एक बीवी और माँ भी हैं। काजोल ने अपने फिल्मी करियर को बच्चों की परवरिश के बीच कभी नहीं आने दिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, फना, गुप्त जैसी कई फिल्मों के लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।